सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब अपने फोन में तो स्टेटस जरूर लगाते होंगे, जो कि यहाँ पर आते हो व्हाट्सएप में स्टेटस पर आते हो, यहाँ से लगा देते हो। लेकिन आज मैं स्टेटस को लगाने से पहले दो ऐसा तबाही वाला ट्रिक बताऊंगा, हिडन ट्रिक बताऊंगा, जो कि अपने फोन में व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने से पहले कर लेते हो तो कोई भी फ्रेंड आपका जब स्टेटस देखेगा ना बिल्कुल ही चौंक जाएगा। और ये बिल्कुल न्यू अपडेट सा ट्रिक है जो कि आप अपने फोन के अंदर इस्तेमाल कर लेते हो तो कोई भी आपके स्टेटस से रिलेटेड देखेगा तो कोई भी चौंक जाएगा यार, और डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि तूने ये सब कहां से किया। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो का ना बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल तबाही सा है, कमाल सा है, और ऐसा ट्रिक आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा और कोई आपको बताएगा भी नहीं। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो अगर आप इस दो ट्रिक के बारे में सबसे पहले सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ ही बेल आइकन दबाकर ऊपर सेट कर लीजिए। ऐसे ही होगा कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगा सबसे पहले आपको और वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोग जानेंगे और वो भी अपने फोन में स्टेटस लगाने से पहले इस दो ट्रिक का इस्तेमाल करके स्टेटस की दुनिया बिल्कुल तहलका से मजा देंगे। और साथ साथ ही कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार, नाइस वीडियो या स्टेटस बेस्ट ट्रिक। तो चलिए अब ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं और अपने फोन में करते हैं। वैसे तो दोस्तों हर बंदे अपना फोटो वीडियो बनाते हैं, स्टेटस पर लगा देते हैं रोज से रोज, मतलब स्टेटस रोज लगाते हैं, लाइफ में रोज यूज होते रहता है। लेकिन स्टेटस लगाते हो तो ये दो ट्रिक जरूर सीख के जाना, दोनों का दोनों ट्रिक यूजफुल रहने वाला है आप सबके लिए, बहुत ज्यादा आप सबके लिए यूजफुल रहने वाला है, पसंद भी आने वाला है आप सबको। तो चलिए पहला ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं और आप अपने फोन के अंदर जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए इसके लिए क्या करना, आपको अपने फोन के व्हाट्सएप में आ जाना है। जैसे कि नॉर्मली मैं व्हाट्सएप में आ गया तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉन्टेक्ट देखने को मिलते होंगे, तो आपको स्टेटस में आ जाना है। दोस्तों वैसे किसी को स्टेटस लगाना होता है तो इस पर आप क्लिक करता है, कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टेटस पर लगा देता है। कुछ भी यहाँ पर देख सकते हो, स्टेटस लग चुका है यहाँ पर, और लाइक कुछ यहाँ से आप देख लेते हो कि किसने बंदे ने देखा। सबसे पहले तो मैं स्टेटस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तभी तो आपको ट्रिक समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर नॉर्मली बस इस तरीके से लगाते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाता, मेरा ट्रिक देखिएगा तो बिल्कुल ही आप चौंक जाइएगा। तो दोस्तों स्टेटस लगाने से बाद आप ना नॉर्मली कहीं पर जाते हो, फोटो क्लिक करते हो या वीडियो अपना शूट करते हो तो स्टेटस पर आके लगा देते हो, या मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हो तो फोटो पर लगा देते हो वहां पर। तो कहीं कहीं क्या सारे क्या होते हैं कि आपका दोस्त फ्रेंड पूछते हैं कि ये कहां से फोटो तूने क्लिक किया, तो आज बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा नहीं, वो खुद लाइव देख पाएगा। क्या करना है, स्टेटस पर आपको आ जाना है, मतलब व्हाट्सएप में यहाँ पर आ जाएगा। बस ना स्टेटस लगाने से पहले इस ट्रिक का इस्तेमाल अपने फोन के अंदर कीजिएगा। देखिए अभी आपको समझ आए या नहीं आए, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आया, कोई भी एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर कोई एक फोटो ले लूंगा तब ना। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने ये फोटो खिंचाया, यहाँ पर देख सकते हो, एक मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अभी सेंड नहीं करना। यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर मैं गया किसी लोकेशन पर, यहाँ पर खिंचाया, तो यहां पर देखिए सेंड करने से पहले कुछ ट्रिक को इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो तो इमोजी टाइप का ऑप्शन दिखता होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहां पर आपको दिखता होगा लोकेशन का ऑप्शन। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रेंड जब फोटो दिखता है तो हमसे पूछता है कि तूने ये फोटो कहां पर खींचा है, उसको ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पसंद आता है, या कहीं झरना है आपके पीछे तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है तो पूछता है। तो नॉर्मली अब वो पूछेगा नहीं, आप उसे लाइव लोकेशन दिखा पाइएगा। तो यहां पर जैसे कि मैं दे देता हूं, यहां पर कुछ भी मैं कर लेता हूं यहां पर, तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहां पर नाम लिख लिया तो बस यहां पर क्या करूंगा, सर्च पर क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर देखिए नॉर्मली मुझे राजगीर बिहार में लेके आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो भी आ जाएगा, या अपना लाइव लोकेशन भी वहां से देख सकते हो, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, अपना लाइव लोकेशन देख सकते हो कि यहां पर मैंने भेजा। तो बस यहां पर क्या करना, यहां से देखिए सिलेक्ट योर कलेक्ट लोकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके फोन में लग जाएगा, इसको आप चाहो जितना बड़ा भी कर सकते हो और यहां पर दे सकते हो। यहां पर देखिए छोटा सा मैंने लगा दिया है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं, लाइक कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहां पर ये हो गया, मतलब लग चुका है, तो यहां पर लग गया। और भी इसमें गजब के ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, मान लीजिए कितना टाइम पर आपने खिंचाया है वो भी लगा सकते हो। जैसे कि देख सकते हो अभी 8:34 हुआ है फोन में, तो इमोजी पर क्लिक करूंगा, यहां पर टाइम दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ये भी सेट
हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए टाइम भी लग चुका है, ये लोकेशन आपका सेट हो गया। फिर इमोजी पर क्लिक कीजिए, तो मान लीजिए आप कुछ बोलना चाहते हो इस वीडियो में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। कई बार देखा होगा यूट्यूब पर ये सारे लगाए हुए रहते हैं, तो यहाँ पर कलर को चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो, कस्टमाइज का ऑप्शन दिया होता है, तो जो भी आपको कलर पसंद आता है यहाँ पर करें, इसे कस्टमाइज कर सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे छोटा करता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ अपने मतलब यहाँ पर मुंह पर लेकर आया। अब यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ हिंदी में लिख लेता हूँ, मतलब जहाँ पर देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा कर लेता हूँ इंग्लिश में, और कुछ भी यहाँ पर लिख दिया यार, और यहाँ पर स्पेस देता हूँ, फिर हो गया। अब बैक आ जाता हूँ, अब इसको ना अपने अनुसार कस्टमाइज करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कस्टमाइज कर लिया, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, समझ रहे होगे कैसे करना है, बस इसको लगा देना है। दोस्तों लगाओगे ना, फ्रेंड आपका डेफिनेटली देख के चौंक जाएगा। तो बस यहाँ पर माय स्टेटस पर वो क्लिक, जैसे आपका स्टेटस देखेगा और म्यूट पर जैसे क्लिक करेगा सी लोकेशन दिखा देगा, तो जैसे क्लिक करेगा तो उसका लोकेशन ये जो रेड वाला है ना दिखा देगा, ये रेड वाला ही है जो जो कि आपने लोकेशन लगाया है, तो वो देख सकते हैं, तो वो समझ जाएगा यहाँ पर लगाया और कितने टाइम में आपने लगाया और क्या आप बोलना चाहते हो, तो मतलब देख सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है यार, जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने जानकारी दिया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक जरूर ठोको और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब सेकेंड नंबर का ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, और अपने फोन के अंदर जरूर से जरूर करिएगा। तो इसके लिए क्या करना, आपको अपने फोन के व्हाट्सएप में आ जाना, व्हाट्सएप में आ गए हो फिर आपको स्टेटस में आ जाना है। स्टेटस में जैसे आ जाते हो तो इस ट्रिक को ना यूज करने से पहले मैं आपको बताता हूं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप जब कोई स्टेटस लगाते होगे तो कोई आपका फ्रेंड ऐसा होगा जो कि आपका स्टेटस नहीं देखता है, लेकिन वो जब जब भी आपका स्टेटस लगाता है वो अपना, तब तब आप जब वीडियो कुछ इस तरीके से चलाते होगे तो नेक्स्ट स्टेटस तो आप जानते होंगे ऑटोमेटिकली चल जाता है, जैसे ये खत्म हुआ तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। वैसे मैंने एक बार देख लिया था इस वजह से नहीं दिखाया, आप एक दिखते होंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता होगा। तो कई बार क्या होता है कि वो आपका स्टेटस नहीं दिखता है, तो आप भी चाहते हो कि उसका स्टेटस नहीं देखना चाहते हो, बट आप क्या करते हो इस पर देखते हो, ये चलते चलते ऑटोमेटिकली दूसरे वाले में चले जाते हो और आप इसका देख लेते हो। और कई सारे ऐसे बंदे होते हो जो कि आधा आधा घंटा के स्टेटस लगाता है जो कि आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, और इसे आप डिलीट भी नहीं करना चाहते हो, उसे देखना भी नहीं चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे स्टेटस में आगे होना, जिसका भी आपको स्टेटस पसंद नहीं है, देखना नहीं चाहते हो, बस उस पर क्लिक कीजिए, ये आपको म्यूट करके ऑप्शन आ जाएगा, बस म्यूट कर दीजिए, ये आपका म्यूट में चला जाएगा। देखिए फिर आप ये चलाइएगा तो नेक्स्ट वाला अपने आप नहीं चलेगा, उसका चलेगा ही नहीं क्योंकि उसका स्टेटस म्यूट हो चुका है। आपको उसे जब भी देखना होगा तो आपको यहां पर क्या करना होगा, म्यूट का ऑप्शन होगा, म्यूटेड अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है, तभी इसका आएगा, बस इसे देखिएगा तभी दिखाएगा, वरना इसका नहीं दिखाएगा। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और सामने वाले बंदे को देख भी नहीं पाओगे तो वो उसको भी लेगा यार कैसे नहीं देखा, मतलब थोड़ा है बहुत ही कमाल का ट्रिक। तो इससे आप अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बहुत ही कमाल का है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके सपोर्ट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर सेट करिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नाइस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।